जैसा कि आप जानते हैं कि होम डिपार्टमेंट में जो कांस्टेबलों की भर्ती हो रही है उसमें सर्व सिलेक्शन बोर्ड को ये जिम्मा दिया गया है कि वो इसमें जो रिटन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करें। तो इस जिम्मन में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी ये तीन फेज में होगा। पहला फेज़ जो 1 दिसंबर को होगा उसमें 15,286 के करीब कैंडिडेट हैं जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एग्ज़ाम पे में बैठेंगे। उसके बगैर 8 दिसंबर को भी तकरीबन 10,146 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तीसरा और आखिरी फेज जो है इस कांस्टेबल की भर्ती के लिए वो 22 दिसंबर को हो रहा है जिसमें 8,000 के करीब जो हैं कैंडिडेट्स इसमें एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सब बेसिक लेवल पे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। हमने जो भी सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स लगाने हैं या मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करने हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करने हैं, मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करने हैं, सब कुछ हो गया है। कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिक उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी बोर्ड की डायरेक्शन है उन पर अमल किया जाए। इम्पॉर्टेंटली कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा जो कैंडिडेट्स के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि वो अपने साथ एक डाउनलोड प्रिंटेड फॉर्म जो एडमिट कार्ड का है वो लाएं। एक दूसरा, अपने साथ एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लाएं, जो भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो साथ लाएं। उसके बगैर उनके साथ 2 फोटोग्राफ होने चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के एडमिट कार्ड में फ़ोटो एलिजिबल नहीं है या कोई और इशू है, वहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए ये रखा गया है कि वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है लेकिन उस पर का एक प्रोसीजर है जहाँ पे उनके फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बगैर बॉल पॉइंट पेन लाएं, जेल पेन नहीं लाएं, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लाएं, वो इम्पॉर्टेंट है। पेंसिल वगैरह ना यूज़ ना करें या लाल कोई रेड पेंसिल लिखना चाहेगा वो अलाउड नहीं है, खाली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चाहिए। प्रॉपर जो इनकी सीटिंग अरेंजमेंट है, पहले ही जाके रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि पहले ही आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचें। जो भी आपको कमरा मिला है, सीट मिलेगी आपको, वहीं पे बैठें। आपको प्रॉपरली जो भी OMR शीट दिया जाएगा या आपका क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ें, कोई हेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इनशाली यही है कि जो भी एग्जामिनेशन की गाइडलाइन है SSRB की तरफ से वो उनको फॉलो कीजिए। इसके अलावा मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि चूँकि इतने बड़े पैमाने का ये एग्जामिनेशन हो रहा है तो अनफेयर मीन्स में बिल्कुल ना जाए। कोई अपने साथ ऐसी ब्लूटूथ या ऐसी कोई गैजेट अंदर सेंटर में ना ले जाए जिससे कल उनके एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स माना जाएगा या उनके लिए फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कैंडिडेट टाइमली पहुँचे, अपनी सीट्स पे बैठें, जो भी बोर्ड की तरफ से डायरेक्टिव्स है वो बिल्कुल पढ़ लें ताकि उनका एग्ज़ाम स्मूथ जाएगा। थैंक यू।